वेलकम टू माई संदकफू ट्रैकिंग फोर्थ ब्लॉक। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देख लेना। संदकफू के सामने एक शिव मंदिर है, मैंने ये वीडियो वहीं पे शूट किया। मंदिर के अंदर में शिव जी की मूर्ति कुछ इस तरह देखने को आपको मिलेगा।
मॉर्निंग पे संदकफू कुछ ऐसा दिखता है। ये दो होटल नेपाल के साइट पे है, वहाँ पे जो होटल आप देख रहे हो वो है होटल सनराइज। ये इंडिया की BSF कैंप है। इंडिया के साइट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब कुछ सोलर पे चलता है। अगर आप इंडिया के साइट पे होटल ले रहे हो तो अपना फ़ोन और इलेक्ट्रिक सामान पहले से चार्ज करके रखना। मैं यहाँ पे इस होम स्टे पे रुका था, पर डे का मुझसे लिया था 800 रुपये और खाने के लिए 200 रुपये। और ये मेरा रूम है। अभी हम लोग संदकफू से रिम्भिक की ओर जा रहे हैं।
मेरा टीम मेंबर है, इसमें मेरा गाइड साहब भी है ऑरेंज जैकेट पे। संदकफू से रिम्भिक मेरा अकेला जाने का प्लान था, लेकिन संदकफू में सुनील अंकल के साथ अच्छा जान पहचान हो गया तो सभी लोग एक साथ मिलकर रिम्भिक चल रहे हैं। अगर आप पैदल चलते हो तो 1-1.5 किलोमीटर के अंतर अंतर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा। अगर आपको फ्लावर ज़्यादा पसंद है तो आप अप्रैल से जून के महीने में आइए, इस टाइम पे आपको बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको स्नो अगर पसंद है तो आप दिसंबर से फरवरी के महीने पे आइए, इस टाइम पे आपको स्नो देखने को मिलेगा। शहरों के हलचल से बाहर आके फॉरेस्ट के अंदर एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करना बहुत खुशी की बात है। जब तक आप यहाँ पे नहीं आओगे ये फीलिंग आप महसूस नहीं कर पाओगे।
हिरन यहाँ रात में पानी पीने आते हैं। इस पॉन्ड में बहुत सारे मछलियां हैं, लेकिन इसमें मछलियां पकड़ना मना है। अगर आप यहां पे आते हो तो प्लीज मछलियां ना पकड़ें। ये यहाँ का बनदेवी का मंदिर है। इस बनदेवी के पूजा के लिए इस तालाब का मछली पकड़ना मना है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं ब्लॉक 5 पे। ब्लॉक 5 जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ संदकफू ट्रैकिंग का पूरा बजट के बारे में। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।